हेलो एवरीवन, ग्रीन आई गार्डनिंग में आपका वेलकम है। मैं आपकी गार्डनर दोस्त, आज मैं आपको केल, ऑर्नामेंटल केल के बारे में बताऊंगी। अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, ये सर्दियों में पाया जाने वाला एक कैबेज फैमिली का प्लांट है। आपके गार्डन को रंग बिरंगा बना सकते हैं। इनमें कई कलर भी आते हैं, रेड, पिंक, पर्पल और वाइट। बॉटनिकल नेम इसका है ब्रासिका ओलेरेसिया, और ये ऑर्नामेंटल कैबेज का कज़िन है। और कुछ लोग इसे फ्लावरिंग केल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है वो बिल्कुल फ्लावर की तरह लगता है, किसी बड़े से फ्लावर की तरह लगता है। ये अपनी लीव्स में जो फ्रिल और जो फेदर, इसकी जो आप देख रहे हैं, इसमें जो किनारे की तरफ जो फेदर होते हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसीलिए लोग इसे अपने गार्डन में जगह देते हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा दूसरी तरह का ऑर्नामेंटल केल है। इसके लीव्स देखिए किस तरह से हैं, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स। ये मैं पहली बार इसको लेकर के आई, अभी पहली बार मुझे ये नर्सरी में इस तरह का ऑर्नामेंटल केल दिखा। दो कलर मैं इसके भी लेकर के आई हूँ। ये देखिए, एक ये कलर है और एक वाइट ग्रीन है। फ्रेंड्स, आप जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लेकर के आएँ तो उसका मेक श्योर कर लें कि उसकी जो रूट है वो बाउंड नहीं होनी चाहिए। इस प्लांट के साथ, ख़ास करके इस प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो रूट बाउंड प्लांट है तो फिर वो बाद में ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आप देख करके लाएँ कि उसकी जो रूट है वो ज़्यादा बाहर निकली हुई या बाउंड तो नहीं है। आप अंदर से तो नहीं देख सकते कि उसमें बाउंड है कि नहीं, लेकिन थैली के बाहर से कुछ रूट्स अगर बाहर हैं तो इट मींस कि उसमें रूट बाउंड हुआ है। तो ऐसे प्लांट आप नहीं लेकर के आएँ, क्योंकि वो फिर बाद में ग्रो नहीं करता है फ्रेंड्स। तो चले, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी देखिए ये है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में का नेटिव है। ये वहीं पाया जाता है, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप वगैरह में पाया जाता है। ये एक कैबेज फैमिली से बिलोंग करता है। ये एनुअल और पेरेनियल दोनों होता है। इसे लोग एनुअल लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया में इतनी गर्मी होती है कि ये गर्मियों में ये बच नहीं पाता है और फिर ये डेड हो जाता है। तो ये एक तरह से एनुअल ही प्लांट है इंडिया के लिए, और जहाँ पर ठंडक पड़ती है वहाँ पर ये आसानी से सालों साल, आपके 2 साल तक 3 साल तक आपके घर में ये बना रह सकता है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा पॉट लेंगे। ये मैंने 14 इंच का पॉट लिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊँगी इसकी पॉटिंग सॉइल कैसे बनानी है और इसमें इसको कैसे रिपोर्ट करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है, आपको ड्रेनेज होल इसका ठीक से कवर करना है ताकि पानी आसानी से निकल जाए। इस तरह से आपको देखिए रखना है, इस तरह से इसके ऊपर ये बड़ी वाली सिटकी रखनी ताकि पानी आसानी से निकल जाए। ड्रेनेज होल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे मॉइस्ट सॉइल तो पसंद है लेकिन सॉगी सॉइल नहीं पसंद है फ्रेंड्स। वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए बनानी होती है। तो आइए चले, मैं बताती हूँ आपको सॉइल कैसे बनानी है। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा रिवर्स वो गार्डन सॉइल, और एक हिस्सा आपको इसमें कोको पीट में लूँगी। ठीक है, ये है गार्डन सॉइल। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है सीड से ग्रो किया जाता है। वैसे सीड से इंडिया में ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर काफ़ी कूल होना चाहिए। जब ये इसका सीड जर्मिनेट करने के लिए टेम्परेचर काफ़ी कम होना चाहिए। जैसे आप अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप ग्रो करेंगे और जब तक वो थोड़ा बड़ा होगा और सर्दियों का मौसम चला जाता है, तो इसलिए ये बेटर रहता है कि आप नर्सरी से इसका एक प्लांट लेकर के आ जाएं। ये देखिए, एक हिस्सा मैंने रिवर्स सैंड ले लिया है। ये इंडिया में बहुत मुश्किल से इसका सीड जर्मिनेट होता है फ्रेंड्स।
इसकी जो लीव्स हैं ये मैंने एक हिस्सा कोकोपीट ले लिया है। इसकी जो फ्रेंड्स लीव्स हैं वो ईडेबल भी होती हैं, खाई भी जाती हैं। ये देखिए ये है परलाइट, थोड़ा सा मैं इसमें परलाइट भी ऐड करूँगी, तीन मुट्ठी आपने इसको परलाइट ले लिया। अब मैं इसमें, ये मेरी घर की बनी हुई कंपोस्ट है, ये करीब 5 मुट्ठी है कंपोस्ट। आपको जितना भी फर्टिलाइज़र इसमें डालना है वो सॉइल बनाते टाइम ही डाल दें, इसे बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और बिखरी बिखरी सी इसकी लीव्स हो जाएंगी। तो इसके लिए इसमें बहुत एक उसमें आपको फंजीसाइड, देखिए मैं डाल रही हूँ बैलेंस, उसे आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है, ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना है, वरना इसकी ये इसकी जो नीचे की स्टेम है ये बड़ी होने लगेगी और पेड़ देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इसके बहुत थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए थोड़ा सा बोरोन मैं डाल देती हूँ, कोई भी जब मैं सॉइल बनाती हूँ बोरोन, मतलब ये एक तरह कैल्शियम है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसी बोरोन थोड़ा सा डाल देती हूँ। दो चुटकी आप इसमें थोड़ा बोरोन डाल दें। चलिए अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने फ्रेंड्स इसमें वो भी डाला है जिंक, इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। और फ्रेंड्स तो मैं बता रही थी कि इसकी जो लीव्स हैं वो ईडेबल हैं और काफ़ी हमारे इसमें काफ़ी तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमें कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं फ्रेंड्स। अब चलें मैं इसको देखिए लगाती हूँ और इस तरह से सॉइल इसमें डाल लें। इस प्लांट को फ्रेंड्स आप जितना नीचे से लगाएंगे, जहाँ से उसकी लीव्स है वो पूरा अंदर, उसके स्टेम जो है पूरे अंदर होनी चाहिए सॉइल में, और जो लीव्स का आखिरी की जो सबसे लीव्स होती हैं वो बिल्कुल टच होना चाहिए आपके ग्राउंड से या आपके गमले के जो सॉइल है उससे। ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे की इसकी स्टेम मुड़ी हुई है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा प्लांट था तो मैंने इसको ले लिया। अब मैं इसको अंदर दबा दूंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी थोड़ा स्टेम टेढ़ी है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स इसकी रूट बाउंड बिल्कुल भी नहीं हुई है, देख रहे हैं। इस तरह से आपको ऐसा प्लांट लेना है जिसकी रूट बाउंड नहीं हो। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको इसको सॉइल में अंदर दबाना है, ये पूरी स्टेम अंदर चली जाएगी, तभी इसकी जो खूबसूरती है, जो इसकी ब्यूटी है वो निखर के आएगी। अगर वो लंबा सा स्टेम दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। देखिए मैं थोड़ा सा उस साइड करके लगा रही हूँ, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी कि मैं इसको किनारे क्यों लगा रही हूँ, बिल्कुल बीच में नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से आप पूरे सॉइल इसमें डाल दें। इसे फ्रेंड्स ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं, जितना आपने कंपोस्ट मैंने इसमें दे दिया है और बोरोन और जिंक वो इसके लिए सफिशिएंट है, इसकी ग्रोथ के लिए इसे ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार बस आपने डाल दिया है, अब बस इसे आप पानी देते रहें फ्रेंड्स। और इसकी लीव्स पर आप ध्यान रखें कि इसकी लीव्स पर जो है वो पानी नहीं गिरना चाहिए, अगर इस पर इसकी लीव्स पर पानी गिरेगा तो पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारी
इसमें लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अब आप देखिए, ये जो मैंने एरिया इधर का छोड़ा हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल साइड में लगाया हुआ है। ये जो एरिया छोड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं थोड़ा फ्लावरिंग प्लांट लगाऊंगी, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाऊंगी, जैसे पिटूनिया है और सनेरिया है और आपका कॉस्मस है। इस तरह से मैं उनकी हाइट के हिसाब से इसमें मैं वो कुछ प्लांट इसमें लगाऊंगी। जब ये प्लांट फ्लावरिंग पे होंगे, जब खिल रहे होंगे, तब मैं आपको इसकी पूरी वीडियो बना करके दिखाऊंगी। इसमें एक छोटा बड़ा इस हिसाब से मैं लगाऊंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने आपको पूरे इसके बारे में बताया, आप कैसे आप इसकी रिपोटिंग करेंगे, सॉइल बनाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, और मेरे साथ बने रहिए, हैप्पी गार्डनिंग करते रहिए, और मैं आपके लिए नई नई अपडेट्स लेकर के आती रहूँगी। इसी तरह से आप लोगों का के सपोर्ट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो कमेंट करते हैं, उसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये प्लांट। अभी मैं और उन तीन प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। तो इसी तरह से मैं सबकी सॉइल बनाऊँगी और सबको इसी तरह से करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।